चलिए तो नवदीश, अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे हाँ सवाल जी हमारे दर्शक करने वाले हैं, जरूर। हाँ पहले सवाल पर आए तो जी आपसे मंजू नाम की एक यूजर पूछ रही हैं कि हेलो मंजू। इन्होंने आपसे पूछा है कि पहले आप मतलब सना की एक्टिंग करती थी शुरू शुरू में जब आई, आपने खुद भी खुद को मतलब फेक शहनाज कहा था, लेकिन बाद में आप शो के एंड में आप पारस छाबड़ा के साथ मिलके शहनाज की बुराई करने लगी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये? अच्छा, तो मैं बोलती हूँ कि जब मैं आई थी ना, जो मेरा जैसे फेज फेज वाला था ना, हाँ जी। वो मेरा इंस्पायर्ड बाय शनाज था, क्योंकि मेरे को वो सना सना मैं बोलूंगी, बिग बॉस की जो सना है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थे, पसंद है, पसंद रहेंगे हमेशा, है ना। अब जब हम उस घर में थे, MS के घर में थे, हम सब सेम प्लेटफॉर्म पे थे, और मैंने कभी भी बुराई नहीं की। मैं क्यों किसी की बुराई करूँ ना, मैंने कभी बुराई की, और ना इनफैक्ट पारस ने भी। ये कौन सी वाली बुराई की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो कभी बुराई नहीं की उनकी। आपकी एक कौन सी वाली स्टेटमेंट, बात कर रहे हो, एक स्टेटमेंट आपकी बहुत वायरल हुई थी जब पारस ने आपको शहनाज कहा वाली? हाँ हाँ मेरे को याद है, हाँ, मेरे को कि याद है कि शहनाज शहनाज सिद्धार्थ के वाली। बिना कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब आप बताओ, शहनाज इतना पॉपुलर है, वो अकेले सिद्धार्थ की वजह से या शहनाज की वजह से? वो दोनों की वजह से है ना, बिल्कुल। सिद्धार्थ है और शहनाज है, कोई है। अगर सिर्फ मैं बोलूँ कि शहनाज में सिद्धार्थ है तो वो झूठ होगा, अगर मैं बोलूँ कि शहनाज में शहनाज है वो भी झूठ होगा। तो क्या आप नहीं बोलोगे कि हाँ यार दोनों है तभी शहनाज है? बिल्कुल, आप क्या बोलोगे, है ना। बट सिडनाज एक अलग चीज़ है, सिद्धार्थ अलग है और शहनाज अलग है। ये तीनों हैशटैग वही शहनाज, हैशटैग सिद्धार्थ और हैशटैग सिडनाज, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं शहनाज फैंस आपसे इस बात पे नाराज़ हैं कि आपने ये कह दिया कि शहनाज का अकेले कोई वजूद ही नहीं है। मतलब आपने नहीं नहीं, कहा, तो वो आपने बात, हाँ में हाँ मिलाई। हाँ नहीं, तो वो बात जो हुई थी वो सिडनास के लिए हुई थी, वो शहनाज या सिद्धार्थ के लिए नहीं हुई थी। वो जो डिस्कशन हो रही थी वो सिडनास के लिए हुई थी। बट देखो, जैसे आप भी मीडिया में हो ना, आपको भी पता है कि कुछ चीज एडिट करके दिखानी होती है, कुछ चीज नहीं, है ना, समझ रहे हो ना। तो वो जो चीज दिखानी चाहिए थी वो दिखाई नहीं गई, और जो ये दिखा दिया, और इतना बच्ची सुपार पूरी दुनिया में ही बोल रही है कि ये बुराइयां कर रहे हैं ना, मैंने ना पारस ने, हम दोनों ने कोई बुराई नहीं की। हम सिर्फ बोल रहे थे जो सिग्नास है वो शनाज की वजह से ही नहीं है, वो सिद्धार्थ और शनाज दोनों इकट्ठे हैं तभी है। तो ये डिस्कशन हुई थी। बट अगर किसी को लगता है कि मैंने किसी का जैसे दिल दिखाया हो, क्योंकि मैं अब बस मैं कह रही हूँ कि बस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो, बहुत हेट रेट हो गई है, बहुत ज्यादा हेट रेट हो गई है। पता है क्या होता है हेट रेट से, जो फेक आइडिया भी होती है ना, जैसे वो फायदा वो बोलते हैं, हाँ वो फायदा उठाते हैं। अब क्या होता है कि जो रियल इंसान होता है ना, वो गलत मैसेज पढ़ के उनका भी BP हाई लो होता है, तो वो क्या करना है, अब पॉजिटिविटी फैलाओ। तो मैं सबको सॉरी बोलती हूँ, जिसको लगता है कि मैंने किसी का दिल दिखाया और जाने अनजाने में, मैं उन सबको सॉरी बोलती हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपने ये क्लियर कर दिया कि आपने शहनाज के एंटी कुछ नहीं बोला था, वो सिडनाज पे बात हो रही थी। मैंने कभी उनके एंटी नहीं बोला, मैंने बस ये जरूर बोला है कि सना वाला जो बिग बॉस है ना, मैं उसकी फैन हूँ, लेकिन MSK में शहनाज थे ना, उनका डिफरेंट, जैसे मेरे भी डिफरेंट रूप है, जैसे कभी मैं एकदम एकदम मॉडर्न हो जाती हूँ तो कभी मैं एकदम अलग हो जाती हूँ, मेरे डिफरेंट डिफरेंट रूप है। अब यार मूड स्विंग्स भी होते हैं, क्या क्या कहते हैं, मतलब जो भी होता है ना, तो वो तो आपके भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, हर किसी के होते हैं। तो उसमें अगर मैं कोई पॉइंट रख रही हूँ, वो मेरा पॉइंट है, मैं किसी की एंटी कभी मैं जिंदगी में ना बोलूँ, क्योंकि कर्मा है, कर्मा मेरे पास भी आएगा कल को। तो चलो हाँ जी, और दूसरे सवाल पे आते हैं। अर्जुन नाम के एक यूजर आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप पारस को पसंद करती हैं या पारस को लाइक करती हैं? यारो शो खत्म हो गया, मैं आज भी उस बंदे के साथ खड़ी हूँ, मतलब कुछ तो है ना। बहुत ज्यादा ना, मेरे को ना पेट में वो नहीं होता, जैसे कुछ ऐसा पूछे फिर ऐसे दिल में ना कुछ होता है। हाँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा वो बनना पसंद है। तो पारस को आप लाइक करती हो? मतलब ऑफ कोर्स यार, मैं तो उसको बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उससे अच्छा इंसान। सबसे मैं बात बताऊँ आपको, मतलब मेरे को क्या लगता था, मैं सच बताती हूँ ना, एज अ व्यूअर जब मैं गई थी, तब तो कॉमनर ही थी, तो तब मेरे को लगता था यार इससे तो बड़ा ईगो होगा,
लेकिन मैं क्या बताऊँ, उससे ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा मैंने कोई नहीं देखा. आपने ही देखा होगा शो, उसने फर्स्ट डे से लास्ट तक मेरे को हमेशा सपोर्ट किया ना. बिल्कुल, वरना उसको क्या पड़ी थी कि मेरे को सपोर्ट करे, उसको क्या पड़ी थी सब में से, मतलब लाइक मैं तो कॉमन थी. बट नवदीश ये म्यूचुअल था, आपने भी पारस को बहुत सपोर्ट किया है और पारस ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया यार. है. आप दोनों का बॉन्ड बहुत तो, अच्छा दिखा था शो में. वो तो है, मेरे को ऐसा होता है उसके अगेंस्ट कोई मत बोलो, पॉइंट रखो लेकिन उसको गलत गलत मत बोलो, फिर मेरे को बड़ा गुस्सा करता है. क्योंकि वही होता है ना, जब आप किसी को जैसे लाइक करते हो या फीलिंग हो ना किसी के लिए, तो फिर आपको होता है कि यार इसको आप ऐसे गलत मत बोलो. चलो अब आपने ये एडमिट कर ही लिया है कि आप पारस को लाइक करती हैं, तो भावना रावत नाम की एक व्यूअर ने, ये तो मैंने वहाँ एमएससी में एडमिट कर रखा है. मैंने तो एमएससी में ही बोल रखा है कि मेरे को बहुत पसंद है वो बंदा, एज अ ह्यूमन आई लाइक हिम अ लॉट. तो अब इसी सवाल से जुड़ा हुआ अगला सवाल है. भावना नाम की एक यूजर ने आपसे पूछा है कि क्या आप पारस के टच में अभी भी हैं? हाँ जी, हाँ जी, अभी भी मैं टच में हूँ. वैसे तो भावना ने आगे भी सवाल अपना लिखा है, मतलब उनका दूसरा सवाल भी है. उन्होंने सीधे सीधे आपसे ये पूछा है कि क्या मतलब आपने बोला कि आप पारस को लाइक करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, बट ये आपसे पूछ रही हैं कि क्या आप पारस को पसंद करती हैं, डू यू लव पारस? लव लाइक कौन सा वाला लव बोल रहे हो? एक तो होता है रोमांटिक वाला. ये लड़के तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं क्या सोच के गई थी, ये तो रावण के रूप में दाम है. लाइकिंग बहुत प्यारा, क्यूट सा, दिल करते गर्ल खींचते जाओ ऐसा सा है. चलो मतलब ये दोस्ती वाली लाइकिंग है ना? दोस्ती वाली बहुत ज्यादा लाइकिंग है. हाँ, दोस्ती वाली लाइकिंग जैसे वो वाली नहीं है, कुछ कुछ होता है. मैं वो काजल की तो थी, काजल थी ना, हाँ काजल की तो थी, शाहरुख खान की था. तो अगला सवाल शहनाज से जुड़ा है और ये सवाल आयुषी सिंह ने किया है. आयुषी सिंह ने आपसे पूछा है कि जब आप घर के अंदर एंट्री आपने की थी, तब आप शहनाज बन के गई थी, लेकिन बाद में आपने अपना अलग असली रूप सब दिखाया. हाँ, तो ये पूछना चाह रही है कि मतलब आपका रियल पर्सनालिटी क्या है? मेरी रियल पर्सनालिटी पता है तो, हाँ मैं इंस्पायर्ड होके, देखो यार पता क्या होता है, जैसे भाऊ है ना, हिंदुस्तानी भाऊ, वो भी तो संजय दत्त का इतना बड़ा फैन है, है नहीं है? अब उसको तो कोई नहीं कुछ गलत बोलता कि तू फेक है, तू फेक है, ये है वो है ना. जितने मिमिक्री एक्टर्स भी हैं, उनका काम है यार, वो किसी की मिमिक करते हैं, जिनको वो लाइक करते हैं, जिनको वो डिसलाइक करते हैं, जो भी है. मेरे को, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ. और ये नहीं कि मैंने उनकी, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने इंस्पायर्ड होके किया था. मैं खुद को ना, मैं शुरू में क्या हुई, कॉम्बिनर की तरह जैसे मैं गई, मैं तो खुश हो गई. मैंने कहा सब मेरे को फेक शनाज बोल रहे हैं, मतलब मैं, लोग बोल रहे हैं कि ना कि हाई तो जैसे फेक शनाज है, शनाज है. तो मैं वो सोच के कि इतने बड़े बंदे के साथ मुझे कंपेयर कर रहे हैं. अब वापस जब मैं आई हूँ, मैंने कहा यार अच्छा लगा, या फिर ये मतलब फेम के लिए था? नहीं नहीं नहीं, मुझे तब जरूर, मेरे को ये था कि वाओ यार मेरे को सना के साथ कंपेयर कर रहे हैं लोग, मतलब मैं उस वे में खुश हुई थी. लेकिन बाद में मैंने कहा यार अब ये ज्यादा ही लोग बोल रहे हैं, मतलब बोले जा रहे हैं कि ये सना की वजह से आई है, तो ये तो वो तो फेक तो ये, तो वो नहीं मेरे को अच्छा लगता. अब नहीं मेरे को अच्छा लगता, अब मैं यही हूँ, नवदीश ऐसी है. अब नवदीश की जो रियल पर्सनैलिटी है, नवदीश की पता है कैसा है मेरा हिसाब, जैसे जैसे अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही है हमारी, है ना, तो ऐसी हूँ मैं. अब मैं, मेरे को आप ऑफिस भेज दोगे ना, ऑफिस में मैं चली जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी एकदम जैसे सीरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल. हाँ, आई विल बी वेरी प्रोफेशनल. हाँ, क्यों? क्योंकि यार वहां मेरे को पैसे कमाने, वहां मुझे अपना दिखाना है कि भैया काम से काम रखो, मुझे काम करवाना है लोगों से और मुझे खुद काम करना है ना. तो वहाँ आपको एक प्रोफेशनल जो बोलते हैं ना, वो आपको प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है. जैसा देश वैसा भेस. बस बस हाँ, अब जैसे मैं छोटे कपड़े, मेरे को पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा मुझे इतने पसंद है ना. लेकिन अब भी थोड़ा सा मेरा जैसे बीच में ना वेट गेन हो गया था, तो मैंने सारे कुर्ते ही सिलवाए अपने, सारे सूट वूट सिलवाए. तो ये भी मेरा है कि मैं छोटे कपड़े भी पहनती हूँ, मैं ड्रेसेस भी पहनती हूँ. मुझे ये नहीं है कि मतलब मैं खुद को ना पूरा, मैं सोचती हूँ कि मैं ना मॉडर्न टाइप ही देखती हूँ. लेकिन अब देखिए, मतलब ये चीज आप एक्सेप्ट करती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटी चला गया? जैसे आप काफी मॉडर्न है, हमने देखा आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और घर के अंदर जब आपने एंट्री की थी तो स्टार्टिंग में कि
पारस और आप जब डांस कर रहे थे तो आपने कहा था कि थोड़ी दूर से मम्मी देख रही है, तो ये सब चीजें लोगों ने है। मैं बताती हूँ आपको दीपिका, आपने पूरा शो देखा होगा, आपने देखा होगा, मैंने एक बार भी उनको उनके साथ मतलब क्लोज आके मैंने कभी, आपने मेरी फोटोज भी देखी होंगी इंस्टाग्राम में, मैं कपड़े मैंने एमएसके में भी बहुत मॉडर्न पहने, मैंने छोटे छोटे कपड़े भी पहने, ठीक है, लेकिन कभी आपने मेरे को नहीं देखा होगा किसी भी बॉय के साथ, समझ रहे हो कि मतलब वैसे जैसे क्लोजनेस वाली होती है। और वो मेरी मम्मी ने विद्या की कसम लगे, मेरी मम्मी ने मेरे को मना करके भेजा था, नवदीश तूने तू हैंडशेक करेगी, तूने कुछ मतलब वैसा करना, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो बात एकदम सच थी, मम्मा ने मेरे को एकदम मना किया था, नवदीश तुम नहीं करना मतलब टीवी पे मतलब ऐसे, मतलब कल को यार मतलब अगर यहाँ पे नहीं शादी होती मेरी तो कल को कोई लड़का देखने आएगा तो वो क्या कहेगा कि मतलब समझ रहे हो ना आप यार, हाँ, कैसे वाला कंसर्न, मम्मी वाला जो कंसर्न होता है, हाँ वो था, क्योंकि देखो मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ, है ना, सर दानिश तक और गर्ल्स स्कूल हमेशा गर्ल्स के साथ ही रहना, तो वो थोड़ा सा एक होता ही है यार, वही होती है अपनी अपनी अपब्रिंगिंग वाली बात ही होती है। अगला सवाल आपसे नवदीश है अभी भाई का, इन्होंने आपसे पूछा है कि क्या नवदीश की लाइफ में कुछ चेंज आया शो के बाद, तो क्या क्या चेंजेस आया अब नवदीश की लाइफ में उस शो के बाद, मतलब कभी कुछ ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई कि अरे मैं भी सेलिब्रिटी बन गई हूँ? यार मेरे को सच बताऊँ, मेरे को ये वाली तो कभी आई नहीं सकती है कि अरे मैं तो ये बन गई हूँ ये हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कैसा नेचर है ना, मेरा इतना मैं सोचती नहीं, लेकिन जो मेरे को प्यार मिल रहा है मतलब दीपिका मैं बता नहीं सकती, मैं अभी भी बालकनी में खड़ी होंगी ना, कोई बाहर खड़ा होगा ना तो मतलब प्यार से स्माइल देना, नमस्ते करना, हेलो करना, जैसे छोटे छोटे बच्चे दीदी दीदी हमने आपको कलर टीवी पे देखा था, हमने आपको कलर टीवी मैंने कहा अच्छा देखा था, फिर फोटो खिंचवा ले, क्वारंटाइन चल रहा है, चलो चलो जाओ अपने घरों में। तो बहुत ज्यादा चेंज तो आया ही है, इतने लोग प्यार कर रहे हैं, इतने ज्यादा पता ही नहीं सकती दीपिका, तो बहुत अच्छा लग रहा है वो, बट ये वाली फीलिंग तो नहीं है कि हाय मैं तो अब इतनी बड़ी बन गई, मुझे वो वाली नहीं है मेरे को ना, वो कभी बाबा जी करे कभी ना आए मुझे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपसे सिडनास के एक फैन ने पूछा है, इन्होंने अपने नाम से आईडी नहीं बनाई है, ये सिडनास शेर एंड शेरनी के नाम से आईडी है, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि घर में जब आप शहनाज के साथ थी तो आपको क्या लगा, सिडनास का प्यार एक तरफा है या दो तरफा? ये यार उन लोगों का प्यार नहीं, मैं क्या है, वरना तो सिद्धार्थ मना कर देता ना, चाहे फ्रेंडशिप वाला प्यार है जो भी प्यार है, अगर दो तरफा है तब भी तो इतना चल रहा है, वरना तो सिद्धार्थ बोल देते कि मैं नहीं हूँ कुछ भी इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप है तो ही है ना, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों तरफा ही फ्रेंडशिप होगी, तब भी तो सिडनास इतना चल रहा है। इसके बाद आपसे अर्शी ने सवाल किया है, अर्शी पूछ रही है कि आप सिडनास की केमिस्ट्री पे क्या कहेंगी? कौन से वाली केमिस्ट्री, गाने वाली केमिस्ट्री की बात कर रहे हो? जिस केमिस्ट्री पे या वैसी? ओ सिडनास वाली, तो मैं बताती हूँ, ये जो बिग बॉस वाली सिडनास वाली केमिस्ट्री, गॉड काश मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जितना प्यार करने वाला, मुझे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, तो वो वाली मेरे को तो ऑफकोर्स यार देखा ही है, मैं तो इनफैक्ट घर में भी मैंने सिडनास को हमेशा बोला कि ना वो वाला जो इंटेंस सा था ना, इतना रियल और इतना इंटेंस, बहुत प्यारा लगा, बहुत ज्यादा। और भुला दूंगा मैं सिडनास की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? वो भी अच्छी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे मोहम्मद अजन नाम के एक यूजर आपसे पूछ रहे हैं, सवाल नहीं है इनका, नाराजगी जैसा कुछ लग रहा है कि शुरू में सना ने आपका बहुत साथ दिया, पर बाद में आप सना के खिलाफ क्यों हो गई? हाँ, तो ये काफी सारे लोगों ने बोला ना कि मैं उनके खिलाफ हो गई, आई डोंट थिंक at any given single point I was against her. The reason for that is I just took my stand. जहाँ मुझे लगा मेरे को लेना चाहिए अपना stand, वहाँ मैंने अपना stand लिया है ना। जहाँ मुझे लगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए, मैंने वहाँ चुप रही, वहाँ मैंने नहीं लिया। तो अगर मेरा कोई point है, अगर मैं किसी के अगेंस्ट जा रही हूँ, मतलब मैं उनको बोल रही हूँ तू तो ये है, तू तो वो है, तू ये, मतलब मैं अगेंस्ट जा रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मुझे लग रहा है, तो ये मेरा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आध इंटरव्यू में बोला है, आपको ब्लैक कलर पसंद है, मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद है तो वो कलर, अब क्या इस वजह से ये इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपके अगेंस्ट हूँ? नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपको, आप मेरी रिस्पेक्ट करो।
आपने ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जैसे कि आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें आपने ये बात बोली थी कि पारस अपना बंदा, तो मतलब अगर पारस अपना बंदा है तो शहनाज अपनी बंदी क्यों नहीं है? मतलब जब आप घर के अंदर गई थी, नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी फैन हूँ, सुनो मैं सना की फैन हूँ, मैं बिग बॉस वाली, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं बिग बॉस वाली सना की फैन हूँ, लेकिन जो फ्रेंडशिप वाला जो कनेक्शन है वो मेरा पारस के साथ है। फैन हूँ मैं सना की, कौन सी वाली? बिग बॉस वाली, लेकिन फ्रेंड कौन है मेरा? पारस है। तो यही सवाल शायद दर्शक आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये कमेंट आया है कि शुरुआत में जब आप घर के अंदर गई थी तो हर कोई आप पे निशाना साध रहा था, हर कोई, इनफैक्ट स्टार्टिंग में पारस भी आपके उतने क्लोज नहीं थे, तो आपको शहबाज और शहनाज संभालते हुए देखे थे, जो भी एडिट होने के बाद एपिसोड्स दिखाए गए उसमें जब आप रोई वॉशरूम एरिया में जाके तो शहबाज ने आपको हग किया और आपको चुप कराया, और जब आप अंदर बैठी थी तो शहनाज ने आपको समझाया कि तू जैसी तू है वैसी रहे। तो लोग बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि गिल सिब्लिंग्स स्टार्टिंग में आपके साथ मतलब बिल्कुल खड़े थे और आपके खिलाफ किसी को कुछ कहने नहीं देते थे, तो ऐसा क्या हो गया जो फ्रेंडशिप नहीं हो पाई गिल सिब्लिंग्स से? यहाँ पे पारस एक अलग चीज़ है, पारस का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि आप जैसे पारस वाला लेके आए ना, तब मैंने पारस को बताया कि मेरा तो फ्रेंड है वो, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ, तो मतलब मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अब जो आपका है ना, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। अब शुरू में मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मैं इतना थैंक्स बोलती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा थैंक्स बोलती हूँ दोनों पारस और शिनाज को, जो उन्होंने सपोर्ट किया, और शहबाज ने भी, कहीं ना कहीं शहबाज ने भी मेरे को आगे सपोर्ट किया। अब ये बात कहाँ पे हुई थी शुरू, फिर ना मेरे को मतलब जैसे मैंने पारस पे बात करनी तो मेरे को लगा कि यार ये बंदा तो बहुत डाउन टू अर्थ है, बट कहीं ना लोग उसको उंगलियां सी देते थे, मतलब लाइक उसको इंस्टिगेट करना। तो फिर मैं होती थी यार इसको ये क्यों बोल रहे हो घर के अंदर, तो मैं क्योंकि मैं कैसी बंदी हूँ, मेरे दिल में जो आता है मैं बोल देती हूँ, मेरे में कोई फिल्टर नहीं है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। अब मैं बोलती कि भैया क्यों स्टैंड, मतलब क्यों इसके अगेंस्ट जा रहे हो? आई थिंक सेकंड वीक के बाद हुआ था या थर्ड वीक के बाद हुआ था। अब सब ऑर्गेनिकली नेचुरली हुआ, भैया मैं, मेरे को लेना है उसका स्टैंड, मेरे दिल ने कहा मैंने ले लिया। अब उससे लोगों को लगा कि मैं वो कर रही हूँ, मतलब गेम खेल रही हूँ या ये कर रही हूँ। दीपिका रानी कसम लगे दीपिका, अगर मेरा गेम का माइंड होता तो मैं आज उसके साथ पारस के साथ खड़ी ना होती है ना, और अगर गेम का साथ होता तो मैं जानबूझ के शहनाज के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती, क्योंकि मुझे पता है शहनाज का 10 या मिलियन जितना भी है, मतलब बहुत ज्यादा फैन बेस है, तो मैं वो करती, लेकिन मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा जमीर ही नहीं मेरे को बोलता कि तू कर, मेरा जमीर कहता जो तेरे दिल में आए वो करे। शुरुआत में जरूर हुआ, बट बीच में हमारी अनबन शुरू हो गई। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि मैं फैन सना बिग बॉस वाले की थी, एमएस के घर में हम सब सेम प्लेटफॉर्म पे थे। अब एमएस के घर पे भी मैं अगर उनको लूँ, मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, आपके लिए ये करूँ, आपके लिए वो करूँ, फिर वो मेरी रियल पर्सनैलिटी थोड़ी है, फिर तो वो तो वैसी बात हो गई ना कि मतलब नबीज बन के गई हूँ। कहीं ना कहीं इन सारी स्टेटमेंट्स में मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये है कि जितनी अच्छी दोस्ती आपकी पारस से हुई, वैसी दोस्ती आपकी शहनाज से क्यों नहीं हो पाई? ऐसा क्या हुआ जो आप शहनाज, अभी भी आप शहनाज की फैन ही हैं, एक घर में मैं सना की फैन हूं, बिग बॉस वाली, हां जी, एक महीना एक साथ एक घर में रहने के बाद भी जब शहनाज ने आपको सपोर्ट किया तो उनसे आपकी दोस्ती क्यों गहरी नहीं हो पाई? सवाल बेसिकली ये है। हाँ तो यार वो तो सिर्फ फर्स्ट 2 वीक्स उन्होंने सपोर्ट किया है ना। अब वो एज अ मतलब उन्होंने भी देखा होगा कि मेरे को कितना लोग, क्योंकि सना उनके साथ बहुत ज्यादा स्टैंड लेती है ना, जो लोग थोड़े वीक होते हैं उनको करती है कि भैया इसको मत करो, वो है ऐसी बंदी ना। तो अब फर्स्ट 2 वीक्स हुआ, उसके बाद यार पता नहीं मेरे को तो खुद ही आदमी की कहां से, फिर हाँ फिर मेरे को शुरू हुआ, शायद मेरे को लगता है शहबाज से शुरू हुआ, जब हिना ने मेरे को गलत गलत बोला कि तुमको अपने भाई के साथ छोड़ती है, मतलब शहबाज को बोला, फिर मैं शहबाज को भाई मान, हाँ अगेन मैं फैन शहनाज की, बिग बॉस वाले ही सना की फैन हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ मैं बिग बॉस वाली सना की फैन हूँ, ठीक है इनका बहुत बढ़िया, वहाँ यार क्या किया वो बंदी, बहुत बढ़िया है ना। अब फ्रेंडशिप के लिए यार आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, एक महीना 2 वीक बहुत टाइम स्पेंड किया शहनाज के साथ, बहुत टाइम स्पेंड हुआ था, बट बीच में थोड़ी जैसे कुछ ना कुछ होते रहना ना, कुछ ना कुछ होते रहना, फिर मैं हमेशा पारस का स्टैंड लेती,
क्योंकि मुझे समझ आ गई यार, ये पारस बंदा जो है ना दिल का बड़ा ही साफ है, इसने कभी किसी को उंगली नहीं लगानी है ना, लेकिन जब लड़ाई होनी तो स्टैंड लेना हमेशा, पारस है वो ऐसा ना, वो हमेशा स्टैंड लेता है। फिर मैंने पारस के साथ, मैंने कहा यार पारस के साथ टाइम स्पेंड किया, और पता क्या होता है, जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उस बंदे को आप जानते हो, जब आप एक बंदे को जानते हो तब आपका रिलेशन बनता है, या तो वो दुश्मनी का होगा या प्यार का होगा या फ्रेंडशिप का होगा या कोई भी रिलेशन बनेगा या कोई रिलेशन नहीं बनेगा, है ना। अब मैंने, मेरा ज्यादा टाइम स्पेंड किसके साथ हुआ, पारस के साथ। तो सिंपल सी बात है यार, अगर मेरा ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है पारस के साथ तो मेरी फ्रेंडशिप किसके साथ होगी, पारस के साथ होगी, इसलिए मेरी फ्रेंडशिप पारस के साथ हुई। प्रीति नाम की एक यूजर आपसे ये पूछ रही है कि आप सना को डिफेम क्यों करती हैं। कीर्ति मैं कहती हूँ, अगर ऐसा कभी मैंने जिंदगी में किया हो, मैं कहती हूँ मुझे कभी काम ना आए, मैं कहती हूँ मैंने किसी को डिफेम किया हो मेरे को कभी काम ना मिले, मैं हुई नहीं ऐसी बंदी जो किसी को डिफेम करे। पता है मैं हमेशा बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ बाबा जी में, और बाबा जी बोलते हैं कि कर्मों का ही आपको फल मिलना है, आपने आज जो बीजा है कल को वो ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं किसी के लिए गलत बोलूंगी ना तो मेरे को वो डबल ट्रिपल होके आएगा, क्योंकि वो कल को आएगा तो वो इंटरेस्ट के साथ मुझे मिलेगा, तो मुझे कोई किसी के साथ वो नहीं है डीसेम करने, मैं कौन होती हूँ डीसेम करने वाली, मेरे यहाँ पे 20,000 के फॉलोअर्स भी हैं, मैं कर पाऊंगी वो 10 लाख वालों को डीसेम, मेरी है इतनी औकात, मैं क्यों करूँ, मेरे को करना भी नहीं है और ना मैं कभी करूँ, लेकिन मैं पॉइंट अपना जरूर रखूंगी बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट करे। अभी आपने ये मतलब ये बताया कि आप सना को डिफेम नहीं करना चाहती हैं, ना करती हैं, अब आप सना को एक मतलब अपने इस इंटरव्यू के जरिए सना के लिए एक प्यारी सी लाइन बोल दीजिए जिससे प्रीति खुश हो जाए। सना बहुत अच्छी हो, मुझे अच्छा लगता है सना, बहुत सारी सना बहुत अच्छी है वो। चलो नवदीश, आपको एक और बात पे क्लेरिफिकेशन देनी है, बहुत बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि आप ओवर एक्टिंग करती हैं, तो नहीं नहीं ये बात पता क्या है, मैं सच बताऊं इस पे, आप मेरी बहुत साल पहले की वीडियोस देखोगे ना उसमें मेरी फ्रेंड, मतलब मैं थोड़ी हूँ नाटकखोर टाइप की ना हूँ मैं, मतलब मेरे को ना बड़ा मजा आता है, तो आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोस भी देखोगे ना उसमें मेरी फ्रेंड कह रही है चल अब ओवर एक्टिंग बंद कर, तो मैं हूँ, मतलब मेरे को मजा आता है जिसमें आपको ओवर एक्टिंग लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं हूँ, लेकिन मतलब सिर्फ फन के वे में। एक यूजर है मुस्कान, जिनका अगला सवाल है, मुस्कान आपसे आपके नाम के बारे में पूछ रही है, वो ये पूछ रही है कि क्या आप सरदारनी हैं? हाँ जी, मेरा पूरा नाम है नवदीश कौर चीमा, सरदारनी में। ठीक है मुस्कान, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, नवदीश कौर इसलिए लगाती है क्योंकि वो सरदारनी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। प्रियंका भारती ने आपसे सवाल कम आप पे एक आरोप लगाया जिसका जवाब आप, ठीक है आंटी, उन्होंने आपसे पूछा है कि आप पारस की चमची दिखी शो में, आपने ऐसा क्यों किया? वो आपका पॉइंट था मुस्कान जी, थैंक यू मेरे को चमची बुलाने के लिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जिसको, अब इसमें ये मेरे को इसमें मैं नेगेटिव नहीं बोलती, चमची बुलाया प्रियंका भारती, बुलाया नहीं है बेसिकली, वो बोला है लगा उनको कर रही है, कोई नहीं ठीक है प्रियंका भारती जी, कोई दिक्कत नहीं है आपने, अब ये चमची वाला जो वर्ड है ना ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इनको बुरा नहीं बोल रही, हाँ लेकिन मेरे को ये मेरे को जो चमची वाला वर्ड है मेरे को अगर पर्सनली पूछो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैंने स्टैंड लिया है। आप ये देखो ना, एक कॉमनर होके बंदी गई शो में जहाँ सारे सेलिब्रिटियां हैं, अब उन लोगों के सामने मैंने हर एक बार पॉइंट लिया, हर एक बार स्टैंड लिया, कितनी बड़ी बात है ना, एक कॉमनर होकर, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है कि जहाँ मेरे को लगा कि कुछ गलत है सही है, अब ये नहीं मैं बोलती कि वो गलत है या सही है, मुझे नहीं पता, जो मेरे लिए गलत है जो मेरे लिए सही है मैंने हमेशा स्टैंड लिया। अब मैं क्या करूँ जब मुझे वो पारस बंदे का पॉइंट हमेशा सही लगता था। रोशनी यादव आपसे ये पूछ रही है कि आप शो में शादी के लिए गई थी, जब बाद में आपसे पूछा गया आप शादी के लिए रेडी है तो आपने क्यों नहीं कहा? उन्होंने हाँ तो क्वेश्चन था कि आप शादी के लिए रेडी है, सिर्फ एक हाँ, मैं इस पॉसिबिलिटी से गई थी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ द शो आफ्टर 3 मंथ, तो बात यहाँ पे हो रही है हमारी 3 महीनों की, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस 1 महीने में हमें शो को बंद करना पड़ा। अब अगर मेरे को पूछे कि 1 महीने में नवदीश तुम शादी कर लोगे, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि मैं अपनी दिल के सुनो, मेरे दिल ने बोला नहीं तू नवदीश नहीं है रेडी, तो मैंने बोल दिया नहीं,
अगला सवाल नवदीप, इसी सवाल से जुड़ा हुआ है और सुमित राजपूत नाम के एक व्यूअर हैं और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इनसे, उन्होंने कमेंट किया ऐसा कि आप इनसे पूछो कि अगर पार्थ ने इनसे शादी को बोला तो क्या ये शादी करेंगी? ऑफ कोर्स यार, अगर मेरी हमेशा ये है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई बंदे के साथ, अगर वो माइंड सेट हो गया तो आप तो क्यों नहीं रेडी हो गए? तो अगर मेरे को पेरेंट्स को और टाइम मिलता एंड फिर अगर हमारी ये बात होती तो क्यों नहीं होता यार? और नहीं भी होता, ये नहीं भी बोलती कि होता ही होता, नहीं भी होता, वही बात होती है ना कि पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी हम टेंथ में पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ चांस दैट द इंसिडेंट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन, है ना? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए फिर ऑफकोर्स यस सर। तो स्मार्टी एंड क्यूटी पाई नाम के एक हमारे दर्शक आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने अपना नाम भी लिखा है कमेंट में, अभिषेक शुक्ला, और ये जानना चाह रहे हैं कि आई वांट टू नो द रियल फेस ऑफ नवदीश। नवदीश के रियल फेस डिपेंड करता है क्या सिचुएशन चल रही है। अगेन वही बात आती है, अगर मैं ये नहीं बोलती कि मैं बड़ी मासूम हूँ, नहीं हूँ मैं मासूम, मैं बहुत ज्यादा चलाकियां भी बहुत ज्यादा करती हूँ, मेरे को बड़ी चलाकियां, मैं चलाकियां भी करती हूँ, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट रूप है डिपेंडिंग अपॉन आप सामने वाला बंदा कैसा है। सामने वाला बंदा अच्छा है तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, सामने वाला बंदा चलाकियां करेगा तो फिर यार 13 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ तो दुनिया का मेरे को भी पता है ना कैसी है कैसी नहीं है दुनिया का, तो मेरे को भी पता है, तो मैंने डिफरेंट उसके हिसाब से डिफरेंट वो है मूड स्विंग कह लो, पर्सनैलिटी कह लो, तो डिफरेंट रूप होते हैं सिचुएशन के हिसाब से आप बदलते हो। अगर आप चार एडजेक्टिव्स देंगी, कोई भी चार या पांच एडजेक्टिव्स देकर अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगी तो वो क्या होंगे? ऑनेस्ट, बबली, एडवेंचरस, एंथुजियास्ट, सच्ची, बबली, चर्पी टाइप, एडवेंचरस जो डरती नहीं है कोई भी चैलेंज आ जाए जिंदगी में वो डरती नहीं है, और हमेशा एनर्जेटिक, एंथुजियास्ट। हाँ ये पता है कि आप लोगों ने बोलना कि मैं शो में मेरे को बोला कि मैं सिंपैथी गेन कर रही हूँ या स्टफ लाइक दैट ना, दीपिका विद्या जान कसम लगे अगर मुझे सिंपैथी गेन करनी होती ना, मेरे लाइफ में ऐसी चीजें हुई है जो मैं बोलती और दुनिया का मुंह खुला रह जाता, लेकिन मेरा कभी मेरा सिंपैथी गेन करने का ना पॉइंट था, ना पॉइंट है, ना पॉइंट कभी रहेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मैंने ऑडिशन देना, बिग बॉस के ऑडिशन देने, हर साल मैंने जाना बिग बॉस के ऑडिशन देने, हमेशा मेरे को रिजेक्ट कर देना, फिर फाइनली ये वाला एमएसके वाला जो आया तो मैं सिलेक्ट हो गई, मेरे को लगा इसमें भी मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। मैं रिजेक्शन से कभी नहीं डरती, मैं नेगेटिविटी से, रिजेक्शन से कभी नहीं डरती, मेरे को ये है करते रहो करते रहो, एक दिन तो सक्सेस मिलेगा ही। जो घड़ी होती है, जो बंद घड़ी थी, 24 घंटे में से एक टाइम आता है जो वो भी सही टाइम बताती है, तो बस उस टाइम का इंतजार करो, करते रहो करते रहो, सबका टाइम आएगा, सबका टाइम अच्छा आएगा, सबका टाइम अच्छा है, मैं यही प्रे करती हूँ। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे अमन ने पूछा है। अमन आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये नेपाल से हैं और इन्होंने आपसे पूछ रहे हैं कि मैं नेपाल से हूँ। नहीं नहीं, ये आपसे ये पूछ रहे हैं, ये आपसे सवाल जो है मैं अभी बताऊंगी, ये बता रहे हैं कि ये नेपाल से हैं। आपके लिए लोकेशन जानना जरूरी क्यों है ये आप आगे सवाल जब मैं पढ़ूंगी तो समझ जाएंगी। इन्होंने कहा है, हे आई एम फ्रॉम नेपाल, आई वॉन्ट टू आस्क हर कि क्या आपका बॉयफ्रेंड है, ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उनसे शादी करेंगी, और क्या नाम क्या है इनका? इनका नाम है अमन। अमन रामरचो केटा। मुझे नेपाली लोग ना बहुत ज्यादा पसंद है, बड़े ही ज्यादा। पता नहीं आपने नोट किया होगा मेरे फीचर्स है ना थोड़े थोड़े नॉर्थ ईस्टर्न दिखते हैं, हूं मैं सरदारनी बट मेरे थोड़े से नॉर्थ ईस्टर्न लुक्स आते हैं। नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और शादी आपकी है। मैं बड़ी ड्रामेबाज हूँ, नहीं किसी से कोई मेरे साथ नहीं रह सकता, सबने छोड़ के चले जाना है, मैं इतनी नाटक खोर हूँ। तो अमन तो नहीं नहीं ना 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 समझिए और बट थैंक यू सो मच, आपने मेरे को समझा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि मैं भी किसी लायक हूँ, तो थैंक यू, आपने मेरे को शादी के लिए समझा, तो थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट ब्रदर। ये सवाल आपसे पूछा है आस्था शर्मा ने, ये नई दिल्ली से हैं, न्यू दिल्ली से हैं, ये आपको अच्छा है, जब आप शो में आई थी शी लव सना, इसका मतलब उन्होंने बीबी देखा,
ये वही सवाल है कि जब पारस बोल रहे थे कि सिड के बिना कुछ नहीं है सना, तो आपने उनकी हाँ में हाँ क्यों मिलाया? तो ये वही सवाल है। वो एडिटेड वर्जन था। अभी पता है, मैं एक बात बताऊं, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज है, फिर भी मैं बताती हूँ। इससे पहले ना, ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, इससे पहले बार ने मेरे लिए बहुत गलत बोला था। वो ऐसा गलत बोला जो शायद कलर टीवी पे भी नहीं आ सकता है ना, इसलिए वो वाला चीज भी नहीं दिखाया। तो काफी चांस, उसके बाद ये रिएक्शन था कि पारस आया मुझे समझाने। मैं उसको बोलती कि यार मतलब जो भी हुआ कि मतलब कि जो भी हुआ, तब उसने बोला कि तू क्यों टेंशन लेती है किसी की, ये सिद्धनाथ जो है सिर्फ अकेले शिनाज की वजह से नहीं है, सिद्धार्थ शिनाज की वजह से है, और शिबाज जो है वो तो शिनाज की वजह से है। तो इसमें गलत वे में नहीं था, वो एक मुझे समझाने के लिए था। उसमें पारस को भी लोग परेशान करे जा रहे हैं। थोड़ा सा ये चीज अवॉइड की जा सकती थी मेरे ओपिनियन में, इस चीज बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था। मतलब ये नहीं, बहुत अच्छे से दीपिका, मैं वही बोल रही हूँ, आपको सच्ची नहीं पता कि पूरी कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी। उन्होंने क्लियरली मुझे समझाया था, सिग्नास के लिए बोला था, और बहुत ढंग के वे में उन्होंने बोला था। उसके बाद भी कॉन्वर्सेशन हुई थी जो बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन वो ही ना एडिट करके सिर्फ और सिर्फ लाइक ये हो गया। हमें यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है सोशल मीडिया पे, इतनी ज्यादा। कभी कभार हम काम करते करते ये सोचते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। तो यार आप ये लगा लो दीपिका, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती, मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। लोगों ने मुझे आके कहना तेरे को कोरोना वायरस हो जाए, तेरे परिवार को कोरोना वायरस हो जाए, तुम्हारा मतलब तुम्हारा खानदान मर, ये सारी बात वही था यार। मेरा पता है सच्ची रोना निकल जाता है कि तुम यार जानो तो सही, जेरी तुम फेक आइडिया भी बनाते हो, मैंने कोई चक्कर नहीं, तुम बनाओ, बट जेरी इंसानियत है वो तो ना मारो यार, मेरा सच्ची रोना निकल जाता है। फिर मैं पता की कह दिया की मैं ना की मैं चंगी सी जड़ी में कॉम्बिनेशन की मैं सेलिब्रिटी बन के था कि मैं कंजर खाने पे आ गया। इन्ना मैनू ना लगता कि कोई इंसानियत ही नहीं है लोगों से। तो इंसानियत जरूर लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बहुत अब नेगेटिविटी हो गई है, जो कॉन्ट्रोवर्सियां हुई छोड़ो, छोड़ दो, माफ करो, छोड़ो अब पॉजिटिविटी से। अब सब जहां आपको नेगेटिविटी दिखे सिर्फ एक दिल वाला कमेंट वहां पे डाल दो, वहां दिल कमेंट डाल दो, सो दैट आप अपनी साइड से एक अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि चाहे आप फेक आईडी हो चाहे आप रियल आईडी हो, कर्म आपके ही है, नाम कुछ भी हो सकता है, कर्म आपके ही है। वो कर्म आपके कर्मों के लिस्ट में वो जो एक बोलते हैं ना सड़ा हुंदा या कर्मा दा, वो आपके उसमें ही जाना है, अच्छे वालों में भी जाएगा बुरे वालों में भी जाएगा, अब तो पॉजिटिविटी चलाओ। बट बेसिकली नवदीश ये मानती है कि शहनाज का भी अपना अस्तित्व है, सिद्धार्थ का भी अपना अस्तित्व है, भी अपना अस्तित्व है, पारस का भी अपना अस्तित्व है, सिडनास भी अपना वजूद है, सिडनास का अपना वजूद है, वही तो यार सबका अपना है, रिस्पेक्ट करो सबकी। अच्छा नवदीश, ये बात है, ये आखिरी सवाल है और ये सवाल मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ पूछने के लिए। इस सवाल का पहले भी आपने वन लाइनर में जवाब दे दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब थोड़ा अच्छे तरीके से दें। ये सवाल गोविंद का है आपसे, और गोविंद आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको शहनाज कैसी लगी, भुला दूंगा मैं, शहनाज कैसी लगी, सिडनाज की बात नहीं हो रही है, शहनाज कैसी लगी? क्यूट है यार, वो तो क्यूट है ही, क्यूट तो है ही, लुक वाइज वो क्यूट, कितनी ज्यादा प्यारी सी है, तो वो क्यूट लगी। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे सिडनाज उसमें अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि अगर मुझसे पूछो कि सिद्धार्थ कैसा लगा उसमें, मैं कहूंगी अच्छा लगा, शहनाज कैसा लगा, अच्छा लगा, अब सिग्नास यार वो बहुत प्यारा लगा, क्योंकि अब दो जने एक ग्रुप वर्क हो रहा है और वो ऑनेस्ट वाला काम है आपका, वो बहुत प्यारा है। तो बेसिकली आपको शहनाज अच्छी लगी, सिद्धार्थ अच्छे लगे, लेकिन सिडनाज आपको बहुत प्यारा लगा। हाँ, तो अब हमें उम्मीद है कि सिडनास फैंस, शहनाज फैंस और सिडहार्ट्स, जिन्हें भी गलत फहमी है कुछ ऐसा, जिनके दिमाग में चीजें हैं कि आप डिफेम कर रही हैं या आपने सना की इंसल्ट की है, वो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं वो भी नहीं, इनफैक्ट पारस भी कभी नहीं करता, पारस को भी बोल रहे कि पारस के चक्कर में, पारस भी कभी किसी को गलत नहीं बोलता, ये लोगों को मतलब समझाता है कि तुमने अपना पॉइंट रखना है, गलत नहीं बोलना। चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम ना चाहते हुए भी एंटी बोल देते हैं, है ना। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी पारस का एक लेटेस्ट इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोला कि सिडनास कपल है ही नहीं, जो लोग सिडनास को कपल मानते हैं उनको शो दोबारा देखना चाहिए।
तो मतलब हाँ, तो इसमें अब इसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव तो नहीं बोला, उन्होंने अपना पॉइंट रखा, उनको लगता है ये सबके अपने अपने पॉइंट होते हैं। मेरे ओपिनियन में ये है कि अगर सिडनास फैंस ने इस हैशटैग को ट्रेंड किया था, हैशटैग सिडनास इज इमोशंस, तो अगर सिडनास नहीं भी है तो सिडनास फैंस जो है वो सिडनास उनकी भावनाएं हैं, तो मैं क्यों कुछ कहें कि किसी की भी भावनाएं हर्ट हो। बेसिकली ये होता है, बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं, वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाती हैं। अब आप जल्दी से बताइए कि क्या आप अब फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते, नवदीश अपने फैंस से, सिडनास फैंस से, या फिर देश के सभी लोगों से, दुनिया के सभी लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर के अंदर कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ इनोवेटिव करो, बिकॉज ये टाइम भगवान ना करे दोबारा कभी आए, तो ये एक ही बार जो ये टाइम आया है, टाइम फ्री बैठे हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर लो जो आपको आगे जाके लाइफ में हेल्प करे। कुछ कहना चाहते कि बस खुश रहो और खुशियां बांटते रहो, बस किसी के पेरेंट्स पे कभी मत जाओ, और अच्छा अच्छा बोलो, हर किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलो। वेरी ट्रू। और नहीं भी बोलना तो ना बोलो, लेकिन ऐसे गलत बुरा मत बोलो, अच्छा नहीं बोलना है तो मत बोलो, लेकिन गंद भी मत बोलो, और बस खुश रहो, आबाद रहो। तो चलिए नवदीश, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें, मुझे भी बहुत अच्छा लगा दीपिका आपसे बात करके।